उदयपुर के समीप बड़ी गांव में सरपंच ने यूआईटी की जमीन पर जेसीबी चला दी, जिसमें 8 कुत्ते के पिल्ले दब गए और उनकी मौत हो गई। बाद में वहां मौजूद लोगों ने सरपंच से हाथापाई कर दी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्षेत्रवासियों ने सरपंच मदन पंडित पर यूआईटी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वॉल बनाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन लंबे समय से खाली पड़ी है और इस पर गुमंतु जाति के लोग रहते हैं। सरपंच मदन पंडित इस भूखंड पर कब्जा करना चाहता है, इसी वजह से गुरुवार को जेसीबी लेकर आया और भूखंड को खाली कराने लगा। इस दौरान 8 कुत्ते के बच्चे भी जेसीबी के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच गाली गलौज हो गई। कुछ देर में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। क्षेत्रवासियों ने सरपंच मदन पंडित की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मदन पंडित बार बार कैमरा बंद करने की बात करते हुए झगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार भी मौके पर पहुंची और लोगों से मामले की जानकारी ली है। सही बात है, बिल्कुल अक्षित कह रहे हैं। 5 बच्चे थे बेचारे, वो कुत्ती ब्याई थी यहाँ, उसके ऊपर से मशीन चला दी और हम मना कर रहे थे। भावना के मम्मी के वो दादी के ऊपर भी वो टीट टीट बजा रहा था, पर वो हट रहे नहीं थे, वो कुत्ता को मारा। बोल बेसर बोल। जैसे भी चले सरपंच साहब, और ये कुत्ता कह रहा क्या कुत्ता कुत्ता है, लेकिन जान दी दो ही नहीं, और मर गया कतरा बच्चा। सुन, ये सही बात है, हम सब सही बात बोल रहे हैं। हम मतलब यहाँ बस्ती है मेरी, 30-40 घरों की बस्ती है, जो बस्ती में मतलब रात दिन हम परेशान हो रहे हैं सरपंच साहब की वजह से। सरपंच साहब कुछ भी मतलब करके हमको मतलब इनको बोला कि हमको काफी सही जगह बिठाओ बिठाओ, काफी समय हो रहा है, हम बिठाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। मांग करने के बाद भी सरपंच साहब नहीं मान रहे, तो हम बिना पूछे मतलब हम घर पे नहीं रहते, तभी भी मतलब सरपंच साहब आ जाते हैं, जैसे भी लगा देते और नाली करवा देते, गड्ढे करवा देते। हम पानी की व्यवस्था भी नहीं, पानी की मतलब लेने के लिए, पानी भी लेने के लिए जाते हैं हम, तो पानी की कहाँ से लेके आवे, कहाँ से क्या नहीं लेके आवे। दुकान पे जाते हैं सामान लेने के लिए जाते हैं, तो घर के बाहर ही मतलब नाली खोल दी। फिर बाकी फिर अभी 3-4 महीने पहले भी हमारा मकान गिरा दिया, उसमें भी हम बहुत काफी परेशान हुए हैं, बारिश की समस्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। ये जो जमीन आपको दिख रही है वो यूआईटी के अधीन जमीन है, लेकिन सरपंच साहब द्वारा यहाँ मनमानी करते हुए जो लोगों ने यहाँ सालों से यहाँ छोटे मोटे कब्जे कर रखे हैं ना, तो उनको जब यूआईटी के अधीन है तो यूआईटी द्वारा इनको हटाया जाए तो कोई इनको समस्या नहीं है। सरपंच साहब अपनी मनमानी करते हुए क्या लालच है उनको, जो इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, उनके कब्जे हटाने के लिए उन्होंने कल परसों जेसीबी चलाई, उस जेसीबी के नीचे 8 कुत्ते के बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था, वो भी उनमें सहारा ढूंढ के वहाँ रह रहे थे, 8 बच्चों के ऊपर कहते हुए लोगों के बार बार कहने के बाद भी जेसीबी चलाकर 8 बच्चों को उन जेसीबी ने चलाकर उसको मलबे के नीचे दबा दिया। तो इस तरह सरपंच साहब गांव में अपनी मनमानी इतनी क्यों चला रहे हैं, और इस जमीन में उनको क्या लालच दिख रहा है, जब ये जमीन पंचायत के अधीन ही नहीं है, ये जमीन यूआईटी के अधीन है, तो ये कब्जे क्यों हटा रहे हैं और क्यों ये इन लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है। दिन में सारे लोग जो
आदमी होते हैं वो काम करने चले जाते हैं और पीछे से आके ये करते हैं। परसों शाम 5 बजे यहाँ जेसीबी चलाकर सारी औरतों ने कहा, यहाँ की जो भी औरतें उन्होंने कहा कि यहाँ सरपंच साहब यहाँ गाड़ी मत चलाओ, इसके नीचे कुत्ते हैं। लेकिन किसी की नहीं सुनी और अपनी मनमानी करते हुए सारे कुत्तों को मार डाला उन्होंने। तो इस तरह मनमानी नहीं करे, पूरे गाँव की तरफ से मैं इन लोगों की तरफ से उनसे निवेदन करती हूँ कि मनमानी कर रहे हैं तो किसके आदेश से कर रहे हैं ये बताएं।